पंजाब के लोकल बॉडी मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा आज अमृतसर में 2000 करोड़ के प्रोजेक्टों की शुरुआत करने के लिए अमृतसर कॉरपोरेशन पहुंचे। वहीं उनके साथ अमृतसर के विधायक ओम प्रकाश सोनी, डॉक्टर राजकुमार वेरका, सुनील दत्त और सांसद गुरजीत सिंह औजला भी मौजूद थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उनके द्वारा अमृतसर के कॉरपोरेशन में एक दफ्तर की शुरुआत की जा रही है, जिसमें सभी विधायक बैठकर अपने इलाकों में हो रहे कामकाज का जायजा ले सकेंगे। वहीं आज 66,000 LCD बदलने की बात भी नवजोत सिंह सिद्धू ने कही। करीब 2000 करोड़ रुपए पंजाब सरकार अमृतसर में लगाने की तैयारी कर रही है, ये भी कहना है नवजोत सिंह सिद्धू का। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत ही है, क्योंकि जब अकाली दल BJP का हिस्सा थी तब उनके द्वारा उस समय के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से 100 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और जब वो पैसे मिले थे तो पूरे अमृतसर को सुंदर बनाने की शुरुआत की गई थी। वहीं अब 2000 करोड़ रुपए से अमृतसर की नुहार चेंज होगी। वहीं इसी पैसों से अमृतसर के 4 रेलवे ओवरब्रिज भी तैयार किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत भी कल कर दी जाएगी। अमृतसर से राजीव शर्मा, जीवे पंजाब TV।